हेलो दोस्तों, मैं रुपेश साहू एक्सेलेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम फिजिक्स के ध्वनि संबंधी प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल के आप सदस्य बन जाइए। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो ऑप्शन है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अप्रगामी, विद्युत चुंबकीय। तो दोस्तों, ध्वनि तरंग जो होती है इनकी जो प्रकृति होती है वो अनुदैर्ध्य होती है, मतलब ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। हमको ये बताना है कि यहाँ पे तीन जो कथन है वो असत्य दिए गए हैं, एक कोई कथन होगा जो कि ध्वनि तरंगों के लिए क्या होगा, सत्य होगा। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो इसमें क्या कहा गया है, देखो कि इनको द्रवित किया जा सकता है, मतलब इनको पोलराइज्ड किया जा सकता है। तो ये ध्वनि तरंगों को, क्योंकि ध्वनि तरंगे जो होती है वो अनुदैर्ध्य होती है और अनुदैर्ध्य तरंगों को पोलराइज्ड करना संभव नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये निर्वात में चल सकते। तो दोस्तों, ध्वनि तरंगे जो होती है ये यांत्रिक तरंगे होती है और यांत्रिक तरंगे जो होती है वो निर्वात में नहीं चल सकती है, इसी कारण ये कथन भी यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, बढ़ते अगले अगले ऑप्शन की ओर। तो अगला जो ऑप्शन है, 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो दोस्तों, ये कथन यहाँ पर बिल्कुल सत्य होगा, क्योंकि जो यांत्रिक तरंगे अथवा ध्वनि तरंगे है इनकी जो चाल होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक या 20 हर्ट्ज से कम। आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि अवश्रव्य तरंगे क्या होती है। तो दोस्तों, अवश्रव्य तरंगे वे तरंगे होती है जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। मतलब तरंगे तीन प्रकार की होती है, पहली होती है अवश्रव्य तरंगे, ठीक है, दूसरी होती है श्रव्य तरंगे और तीसरी होती है पराश्रव्य तरंगे। ये जो तरंगे हैं अवश्रव्य तरंगे, ये इनकी जो आवृत्ति है ये 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से क्या होती है, ये लेस होती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू बताना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा, ऑप्शन है, सुनी जा सकती है, नहीं सुनी जा सकती है, कभी कभी सुनी जा सकती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए ये जो पराश्रव्य तरंगे होती है इन्हें केवल पशु पक्षी अथवा जानवर सुन सकते हैं, मनुष्य को ये कभी सुनाई नहीं देती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। तो ऑप्शन है, न्यूटन ने, गोल्टन ने, हर्ट्ज ने, फैराडे ने। तो दोस्तों, इसका जो जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू देना है कि पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शिकार पर पक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जो पक्षी होते हैं वो जब उड़ते हैं तो वो एक प्रकार की तरंग को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। वह तरंग क्या होती है कि टारगेट पर जाती है और टारगेट से टकराकर पुनः वापस आती है, जिससे कि पक्षियों को उनके रास्ते का पता चलता है। तो ये जो घटना होती है दोस्तों, इसको हम कहते हैं प्रतिध्वनि की परिघटना। तो ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। प्रतिध्वनि का मतलब क्या होता है कि जब हम कभी कभी साउंड करते हैं तो हमारी जो साउंड वेव होती है वह किसी ऊंचे पहाड़ अथवा चट्टानों से टकराकर उसी माध्यम में, मतलब उसी दिशा में वापस लौट जाती है, ये कहलाती है प्रतिध्वनि की घटना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा अल्ट्रासोनिक तरंग। हम लोग जो है पराश्रव तरंगों का यूज करते हैं कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन है, आवृत्ति पर, तीव्रता पर, वेग पर, आयाम पर। तो दोस्तों, ध्वनि का जो पिच है ये आवृत्ति पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन है, पराश्रव्य तरंगे, ऑक्सैलिक अम्ल, अवश्रव्य तरंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, आपको
इस क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू देना है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो